अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे छोले इस्तेमाल करे हैं, 2 कप हैं ये। इनको मैंने धो लिया है और मैं इनको भिगो के रख दूँगी रात को। अब यहाँ पे जो है ये सुबह का टाइम है, यहाँ मैं इसका आटा गूँध रही हूँ भटूरे के लिए। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। यहाँ पर अभी मैंने 1 कप इस्तेमाल करा, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ऐड करी, 1/2 टीस्पून नमक शामिल करा, 1 टीस्पून चीनी ऐड करी है और ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून के करीब। 3 टेबल स्पून इसके अंदर दही शामिल करूँगी मैं और 2 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल ऐड कर देंगे। और पहले हम इनको जो है ना तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी मैंने सिर्फ 1 कप मैदे में इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करा, ये 2 कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और पहले मैं इसको मिक्स करूँगी तमाम चीज़ों में। उसके बाद जो है ना थोड़े थोड़े पानी से हम इसको गूँधेंगे। पानी इसमें एकदम से ऐड नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी एक डो बना लेंगे। डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट ना हो, हल्की सी हार्ड होनी चाहिए। इस तरह से मैंने इसकी डो बना ली है और अब मैं इसको ज़ोर ज़ोर से जो है ना बर्तन के ऊपर मार रही हूँ ताकि ये इसके अंदर लचक पैदा हो। इस तरह से हम इसलिए करेंगे ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो जाए। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में चने ऐड कर दिए हैं, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करा और 1 टेबल स्पून ये साबुत काली मिर्च ऐड कर दी है। ये 1 कप चाय की पत्ती मैंने जो है ना 1 कप चाय ली और उसमें 1 टेबल स्पून पत्ती डाली और उसको पका लिया और ये मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया है। 10 मिनट के प्रेशर के बाद आप ये देखें कि जो है पानी जज्ब हो चुका है और चने यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं। थोड़े से मैंने खा के भी चेक कर लिए थे। अब इसका मसाला बनाते हैं। मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में मैं ये बनाऊंगी। पहले सरसों के तेल को मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया, जला लिया है और आधा जो है ना मैंने सरसों का तेल बाहर निकाल दिया है, उसमें हम बघार करेंगे बिल्कुल आखिर में। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैंने प्याज ऐड करी है, 4 प्याज ऐड करी, हल्का सा ब्राउन करा, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन शामिल करा। यहाँ पर ना मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी अदरक लहसुन को। अदरक लहसुन जब अच्छा सा भून जाएगा तो हमने यहाँ पर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटरों का ना मैंने पेस्ट बना लिया था चॉपर में, 2 टमाटर ऐड कर दिए मैंने। थोड़ा सा मैंने इसको भूना। अब इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करी, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही वो हल्दी शामिल करी और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल करा है धनिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भी शामिल कर दी है और अब मैं इसके अंदर ना चने ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं चनों को बहुत अच्छा सा भून लूँगी ताकि मसाला जो है ना चनों में अच्छा सा जज्ब हो जाए। तमाम छोलों में हमारा मसाला बहुत अच्छा सा लग गया तो उसके अंदर फिर मैंने हरी मिर्च शामिल कर दी और ये कसूरी मेथी जो है ना क्रश करके मैं हाथों से इसमें शामिल कर रही हूँ। बस 5-10 मिनट मैं इसको और कुक करूँगी। अब इसका जो है ना बघार तैयार कर लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला था उसके अंदर मैंने अदरक शामिल करी, 2 जो हैं हरी मिर्चें शामिल करके यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा पकाया और ये कड़ी पत्ता शामिल कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार सा बघार हमारा तैयार हो गया है जिसको हम अपने छोलों के ऊपर ऐड करेंगे। छोले बहुत अच्छे से जज्ब हो चुके हैं मसाले में और ये बघार मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर छोले तो तैयार हो गए हैं, चलिए हम भटूरे बना लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। इस तरह से हम इसको डो को जो है ना कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसके तकरीबन 6 पीसेस कट कर लूँगी छुरी से और काउंटर को जो है ना मैं यहाँ पर ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। थोड़े से ऑयल से मैंने काउंटर को ग्रीस कर लिया और बेलन को भी कर लूँगी ताकि जो है ना ये हमारे भटूरे अच्छे से बन जाएँ। यहाँ पर हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे, बिल्कुल गोल बनाएंगे इनको। और ऑयल जो है ना इस वक्त तेज़ गरम होना चाहिए, कढ़ाई में मैंने पहले से ही ऑयल तेज़ गरम कर लिया और अब ये भटूरे जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हल्का सा प्रेस करूँगी चमचे से ताकि ये फूल जाएं और बस ये फौरन ही बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं और फौरन हम इसको पलट देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम है। हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी सिक जाएँ। तो इस तरह से ये हमारे भटूरे जो है ना माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, चने भी तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट ये बने हैं और कितने आसानी से ये टूट गए। आपको मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।